The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आप जानते हैं हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं। सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड होती है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं बताते आपको, और इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, जॉब स्ट्रेस, काम की जो आपका स्ट्रेस है। भैया सबको है काम का स्ट्रेस, किसको नहीं है, सबको है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जॉब स्ट्रेस सबको होना है। चाहे आप अपनी जॉब इंजॉय करते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जॉब बहुत ज़्यादा समय लेती है, हो सकता है आपकी जॉब में आपके जो कोवर्कर है उनसे प्रॉब्लम है, हो सकता है डेडलाइन से प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ आगे चल के कटौती हो जाए, कुछ हो जाए, आपके बॉस है, कोई है, किसी ना किसी से प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इफ आप जॉब इंजॉय करते हैं, इवन इफ आप खुद के मालिक हैं, तो भी स्ट्रेस तो होता ही है ना। सो क्या करें? देखिए, कई बार स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस हेल्पफुल भी होता है। वो आपको हेल्प करता है आपके टारगेट्स अचीव करने का, आपको कुछ बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए भी आपको हेल्प करता है थोड़ा बहुत, बिकॉज आपको वो एक तरीके से प्रोत्साहित करता है, आपको चैलेंज करता है, राइट। लेकिन अगर ये जॉब स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली रहता है, आपके सर पे डंडा हमेशा है, आपके सर पे कोई दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम करेगा आपके हेल्थ पे, आपके माइंड पे, आपके फीलिंग्स पे, आपके रिलेशनशिप सब पे भारी पड़ सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको समझना और इस वीडियो को देखना और ये वीडियो शेयर करना, राइट। इसीलिए पहले ये समझते हैं कि जॉब स्ट्रेस या काम में तनाव होता क्यों है, राइट। बहुत से कारण हो सकते हैं, हर एक की जिंदगी में अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन हमने आपको जो बताना है वो है सबसे कॉमन कारण। सबसे कॉमन और ज्यादातर लोगों में यही कारण होते हैं, नंबर वन कारण है वर्कलोड। जितना ज्यादा वर्कलोड है, जितना ज्यादा काम है, प्रॉब्लम तो आएगा ऑब्वियसली। आपके अगर काम में आवर्स ही बहुत ज्यादा है, अगर नॉर्मल 24 घंटे में से 20 घंटे आप काम कर रहे हो तो क्या होगा? अगर इवन कई लोगों को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, कई लोगों को 12 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो डिपेंड करता है काम में कितना टाइम है, कितना टाइम आपका रोजाना काम हो रहा है। दूसरा ये भी फर्क पड़ता है कि टाइम के बीच में, काम के बीच में ब्रेक्स है कि नहीं। अगर ब्रेक ही नहीं है, बहुत कम ब्रेक है, वक्त ही नहीं मिल रहा, तो भी प्रॉब्लम है, राइट। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा काम पकड़ के बैठे हैं, यहां वहां 2-3-4-5 काम में यहां से भाग रहे वहां जा रहे हैं, यहां से भाग रहे वहां जा रहे हैं, सो वर्कलोड, अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है। दूसरा काम है वर्क रोल। रोल का मतलब क्या भी? आपका क्या काम है और क्या नहीं है, आपका ओहदा क्या है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पता ही नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है, कई जॉब्स में आपको वर्क रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड नहीं होता, और उनको हर काम, ये भी काम उनके लिए, ये भी काम उनके लिए, जो बचा सब तुम्हारा। सो वर्कलोड बढ़ जाता है। सो अगर आपका वर्क रोल ही डिफाइंड नहीं है, या आप एक से ज्यादा बॉसेस हैं आपके, मल्टीपल बॉसेस, इसने भी काम, उसने भी काम, उसने भी काम, उसने भी काम, सारे काम तुम करोगे, भाई साहब मैं क्या क्या करूंगा। सो ये एक लोड स्ट्रेस बढ़ा देता है, होता है ना सबके साथ, कई लोगों के साथ होता है। थर्ड बिग रीजन है जॉब कंडीशन। कंडीशन ही खराब है। कंडीशन मतलब क्या? कि या तो आपका जॉब बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, या फिर वो डेंजरस है, रिस्क है। किसका? फिजिकल इंजरी का, कोई आपको चोट लग सकती है, ऐसा कोई जॉब है, शेर के मुंह में हड्ड डालने का काम है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट देन कोई भी फिजिकल रिस्क है, कोई फिजिकल डिमांड है, कोई ऐसा स्ट्रेस है जो एक्चुअली आपको हार्म कर सकता है, या फिर आपका जॉब आपको किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से एक्सपोज करता है। आपको धूप में खड़े रहना पड़ेगा, बाहर ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ेगा, ट्रैफिक में हो, पुलिस वाले हो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ हो, या आपको इन्वायरमेंटल नॉइज है, उससे आपको एक्सपोज कर, टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्रीज में एक्सपोज है, सो कोई ना कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ से एक्सपोज कर रहे हैं, जॉब के कंडीशन ख़राब हैं, तो ऐसा स्ट्रेस आपकी बॉडी पर फिजिकल, मेंटल सब जगह पड़ेगा और आपको बीमार करेगा, है ना।
थर्ड बिग रीजन है, ये थर्ड बिग रीजन नहीं, फोर्थ बिग रीजन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खराब है जॉब में, अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसीजन नहीं लेने दिया जाता आपको, आपके जॉब की जो पॉलिसीज हैं वही आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, अनहेल्दी है, या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है एग्रेसिव है, हैरेस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सब बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस करती हैं, राइट। और इशू हो सकते हैं दूसरों के साथ, कोवर्कर्स के साथ, आपके बॉस के साथ, और इवन जूनियर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जो एक बहुत ही कॉमन, एक कोवर्कर्स के साथ, दूसरों के साथ सबसे बड़ा रीज़न एक ये होता ही होता है सबके साथ कभी ना कभी। और सिक्स्थ रीज़न है फियर ऑफ योर फ्यूचर, भाई आगे क्या होगा, कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे, कहीं मेरे को दूसरी जगह जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा कि नहीं बनूंगा, कभी क्या मैं मैनेजर बनूंगा, क्या मैं सीईओ बनूंगा, क्या मुझे अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को फ्यूचर की चिंता है, उस चक्कर में स्ट्रेस हो जाता है। सो कैसे, पहली बात तो है कि इससे होता क्या है, इस सब स्ट्रेस से क्या प्रॉब्लम आती है आपकी हेल्थ को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इन सब स्ट्रेस से आपके हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ना सिर्फ आपके हेल्थ, आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्ट कॉमनली बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, लोअर बैक में, कई लोग परेशान होकर डिप्रेस से हो जाते हैं, निराश हताश और वीक हो जाते हैं, कई लोगों को अगर ऐसा कुछ नहीं होता इंजरीज भी हो सकती है जॉब के अंदर, कई लोग कमज़ोर हो जा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, रेस्ट नहीं मिलता है, तो सारा इम्यून सिस्टम, नींद के बगैर क्या होता है, इंसोमनिया वाले वीडियो में हमने समझाया आपको, सो रेस्ट नहीं मिलता तो बहुत कुछ होता है। और कई लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बीवी से झगड़े, बच्चों से, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, गुस्सा, एंगर, पता नहीं क्या क्या, ये सब साइंस है, ऐसे गलत प्रभाव पड़ते हैं आपकी लाइफ पे, और साइंस मिलते हैं। क्या साइन, नंबर वन साइन है कि आपका जॉब स्ट्रेस बढ़ गया है, नंबर वन साइन इज फ्रीक्वेंट हेडेक, मतलब आपको बार 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 रेगुलर हेडेक हो रहा है, बार बार रेगुलर अपसेट हो रहा है, पेट अपसेट हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा, स्टमक अपसेट हो रहा है, नींद सही से नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर घर में तनाव बढ़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बड़ा रीजन है, या आप वैसे ही खुश नहीं हो रहे, खुश ही नहीं रह रहे, अनहैप्पी है, राइट, अनहैप्पी सा फील कर रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, लोगों पे चिल्ला देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, इन सब का मतलब है कि ये स्ट्रेस अब बढ़ रहा है भाई साहब, नॉट हेल्दी फॉर यू, अच्छी बात नहीं है। सो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, क्या कर सकते हो, नंबर वन चीज, टेक अ ब्रेक। एक बार, मतलब कितना भी स्ट्रेस हो जाए, आप गुस्सा हो रहे हो आपके जॉब में, टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, वॉक करके आ जाओ, कुछ हेल्दी खा लो, या अगर ऐसा कोई जॉब है कि आप ब्रेक ले ही नहीं सकते, हट ही नहीं सकते अपने डेस्क से, तो एटलीस्ट आंख बंद कर करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, लंबी लंबी सांसें ले लो, टेक अ ब्रेक, बहुत ज़रूरी है ब्रेक लेना, राइट। दूसरा, सोचो, एंड आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन खुद का बनाना है, अगर खुद नहीं बना हुआ है, कि आपका काम क्या है, क्या नहीं है, किसको रिपोर्ट करना है, और क्या क्या आपको अचीव करना है जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार, उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाता है, जिससे आपको पता चलेगा ओके मेरा ये काम है, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है, ओके आई एम इन कंट्रोल नाउ, ये इंपॉर्टेंट है खुद को बनाना अगर नहीं मिला है आपको तो, राइट। और जब भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो गोल सेट करते हैं कि ठीक है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये फलाना फलाना अचीव, कई बार गोल अकेले के होते हैं, कई बार टीम होती है, बॉस के साथ मिलके, कोवर्कर्स के साथ मिलके गोल बनाते हैं। अब जरूरी बात है कि गोल्स बनाने हैं छोटे छोटे, और गोल बनाना है रीजनेबल गोल बनाना है, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं, बहुत ज़रूरी है, और ट्रैक रखना है कि आज मैंने क्या किया, एक हफ्ते में मैंने क्या अचीव किया, हमने क्या अचीव किया, बिकॉज ओनली इफ अगर आप देखेंगे कि भाई प्रोग्रेस हो रहा है तो ही तो फायदा है ना। सो गोल्स, इन सब चीज़ों को काम करना पड़ता है, राइट, गोल्स बनाने हैं, रिव्यू करना है अचीव किया कि नहीं किया। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजीज, फ़ोन, ईमेल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब के साथ मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, सारा दिन लगे पड़े हैं फ़ोन में सारा दिन, तो कुछ देर के लिए फ़ोन साइड में रखिए, कुछ देर के लिए दिन में टाइम ज़रूर फ़ोन को अलग रख के टेक सम टाइम ऑफ, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा।
कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ बिताइए, कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताइए, या एक मूवी देखो, या कोई फैमिली के साथ डिनर करने चले जाओ, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट यार. और किसके लिए कमा रहे हो, राइट? इन्जॉय योर टाइम, डू थिंग्स विच यू इन्जॉय, ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट? आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मूवी नहीं देखते, हॉबी नहीं है कोई, फैमिली के साथ खाना नहीं खाते, फैमिली से मिलते नहीं, बच्चों के साथ टाइम नहीं, तो फिर क्या कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, राइट? सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें से कुछ ना कुछ, वॉट मेक्स यू हैप्पी, डू दैट. जो आपको खुशी देता है वो ज़रूर करिए, चाहे रोज़ नहीं तो बीच बीच में करते रहो, राइट? उसके लिए टाइम निकालो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको हैरेसमेंट हो रही है, या आपके फिजिकल, आपको फिजिकल डेंजर है, या इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, जॉब कंडीशंस ख़राब है, देन टेक अ स्टैंड. अगर आपको दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, या आप पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, आप गुस्सैल हो रहे हो, टेक अ स्टैंड. यू हैव टू टेक अ स्टैंड. या तो जॉब बदलिए, या उनको बोलिए नहीं होगा, ये नहीं करना है, राइट? सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड इन दैट केस एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम खत्म करनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है? और गेट ऑर्गेनाइज्ड यार. आपको नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा. आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए रोज की. ये भी अच्छा तरीका है कि भाई ये करना है, फिर देखो करे कि नहीं करे, है कि नहीं. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में साथ में प्रायोरिटाइज कर सकते हो, भाई ये जरूरी है, वो जरूरी है, ये सबसे जरूरी है, पहले सबसे जरूरी करो, फिर दूसरा करो, राइट? यही बच्चों को करना चाहिए, बड़ों को करना, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जॉब हो, बिल्कुल ठीक. सो टाइम खुद को निकालना है, ये करना है. और फिर भी अगर लगता है कि इन सब चीज़ों से भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के जॉब को नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है, देन दैट्स टाइम. इस समय फिर बात आती है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, या तो काउंसिलिंग की ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो समझता है आपके कंडीशंस को और सही सलाह दे सकता है, या फिर एक प्रोफेशनल काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकैट्रिस्ट की, जिससे आपको बात करने के आपको आसानी हो जाएगी, आपको बताएगा कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं. और आखिरी में यू हैव टू लर्न. आपको सीखना होगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अपने आप में अलग सा कोर्स भी है, अलग से एक साइंस भी है, जिसके बारे में बेसिक्स, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, लेकिन दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज. मेडिटेशन और एक्सरसाइज, उसके अलावा योगा करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ कर सकते, डीप ब्रीदिंग, लेकिन मेडिटेशन, एक्सरसाइज दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इन सब पे वीडियोज़ अलग से आएंगे, लेकिन बात यहाँ हो रही है जॉब स्ट्रेस की, जिसके बारे में अब तक बहुत कुछ बता दिया. आई होप कई लोग इससे रिलेट करेंगे, हमारे साथ ऐसा होता है, और कई लोग इसको अपनाने की कोशिश करेंगे. मात्र कोशिश भर से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी. सो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में बताओ क्या अच्छा लगा, आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन.